बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने आज जॉब्स अनाउंस किए हैं, जिसमें मैट्रिक के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं और बैचलर्स के लिए भी जॉब्स आई हैं, और पंजाब पुलिस के ये जॉब्स हैं। आज हम आपको सिलेबस और उसकी प्रिपरेशन के मुताबिक जो गाइडलाइंस हैं वो प्रोवाइड करेंगे कि आपको कहाँ से तैयारी इसकी करनी चाहिए और इसका सिलेबस क्या होगा और नंबर ऑफ़ पोस्ट क्या हैं। आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस, सब कोर्सेज की जो एफपीएससी के थ्रू या एनटीएस के थ्रू या पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आती हैं, हम तैयारी करवाते हैं। वेबसाइट का एड्रेस गिवन है और सेल नंबर भी गिवन है। आप अगर जॉब की जो तैयारी कर रहे हैं इसके व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको डिटेल मिल जाएगी और आप वहां से डायरेक्टली क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक में चैट वगैरह अलाउ होती है, जो आपके ग्रुप होते हैं, डिस्कशंस होती हैं, फाइल्स वगैरह आपस में शेयर कर सकते हैं, जबकि व्हाट्सएप ग्रुप जो है सिर्फ जॉब्स की इंटीमेशन के लिए होते हैं, तो आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो असिस्टेंट बीपीएस 16 की जॉब्स आई हैं और इनकी नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं 48। और इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन बैचलर मांगा गया है और इसके अलावा इसकी एज लिमिट जो है वो मेल के लिए 30 है और फीमेल्स के लिए 33 है। और इसका सिलेबस जो होगा वो वन पेपर ऑफ एमसीक्यूज टाइप, जनरल एबिलिटी, रिटन टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स, यानी कि एमसीक्यूज पैटर्न पे होगा। सही है, रिटन में आपने कंफ्यूज नहीं होना। और 90 मिनट्स का मतलब है डेढ़ घंटे का पेपर होता है। कंप्राइजिंग क्वेश्चन रिलेटिंग टू जीके होता है, पाकिस्तान स्टडी होती है, करंट अफेयर होता है, इस्लामिक स्टडी होती है, और जो नॉन मुस्लिम हैं उनके लिए एथिक्स सब्जेक्ट ऐड होता है। इसके अलावा जियोग्राफी के कुछ क्वेश्चन होते हैं, बेसिक मैथ होती है, इंग्लिश होती है, उर्दू, एवरीडे साइंस, और इसके अलावा बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़। ये आपका सिलेबस होता है। इसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं, उनकी 80 जॉब्स हैं, ये 80 इनकी वैकेंसीज हैं और बीपीएस 12 है। फर्दर इसकी डिटेल जो है, क्वालिफिकेशन जो मांगी है, मैट्रिक सेकेंड डिवीज़न, तो शुड क्वालिफाई डाटा एंट्री ऑपरेटर एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा, जो कि पास होना ज़रूरी है। मिनिमम स्पीड जो है 10,000 की डिप्रेशन पर आर फॉर डाटा एंट्री वेरिफिकेशन होनी चाहिए। इसके अलावा नॉलेज ऑफ टाइपिंग कंप्लीट पता होना चाहिए। इसके अलावा पासिंग सिस्टम 360 ऑपरेटर ट्रेनिंग कोर्स विल बी प्रेफर्ड, अगर ये आप कोर्स कर लेते हैं तो उसकी प्रेफरेंस दी जाएगी। और मेल के लिए 30 ईयर है और फीमेल के लिए 33 ईयर एज लिमिट है। तो मेरे ख्याल में जो जॉब्स बिल्कुल जिनको नहीं मिल रही, बैचलर हों या मास्टर्स हों, उनको भी ज़रूर इस पर अप्लाई कर लेने चाहिए, ताकि एक दफ़ा उनको जॉब के साथ एज की प्रोटेक्शन मिल सके। मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, ऑल पंजाब बेस्ड है, कोई और दूसरे सूबे के जो डोमिसाइल रखने वाले हैं वो नहीं अप्लाई कर सकते, और पोस्टिंग कहीं पर भी हो सकती है। इसके पेपर का पैटर्न होगा वन पेपर एमसीक्यू टाइप, रिटन टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स, 90 मिनट्स यानी कि डेढ़ घंटे का होगा, और जॉब रिलेटेड यानी कि कंप्यूटर के मुतालिक, टाइपिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं, और एमएस ऑफिस वगैरह उसके बारे में नॉलेज, ये सारा 50% मार्क्स का होगा। और जो जनरल नॉलेज है, जिसमें पाकिस्तान अफेयर है, करंट अफेयर है, इस्लामिक स्टडी, जियोग्राफी, बेसिक अरिथमेटिक, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस, ये 50 मार्क्स की होगी। तो इसकी लास्ट डेट जो है अप्लाई करने के लिए वो है 17 फरवरी 2020। और प्रिपरेशन के मुतालिक अगर आपको बताऊं कि आप किस तरीके से प्रिपरेशन, इसके अलग से हमने एक कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है अपनी वेबसाइट पे, जिसका टॉपिक है या टाइटल है जनरल पर्पस प्रिपरेशन प्लान। तो इसकी फ़ीस भी बहुत कम होती है और आप इसको ले लें कोर्स को, तो आप इजीली तैयारी कर सकते हैं और टेस्ट क्वालिफाई कर सकते हैं। आप अगर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं और कोर्स लेना चाहते हैं, आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट का एड्रेस गिवन है, विज़िट कर सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई न्यू जॉब आती है तो भी आप हमारे चैनल पे लेटेस्ट अपडेट देख सकते हैं। खुदा हाफिज़।